गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान में हम हमारे राज्य प्रशासन, जिसमें आज हम राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में अध्ययन करेंगे। देखिए, इससे पूर्व की कक्षा में हमने राज्यपाल के गठन से संबंध में जो भी हमारे संवैधानिक प्रावधान थे उसके बारे में अध्ययन किया, और बच्चों आज हम देखेंगे राज्यपाल की क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या कार्य हैं। एक एक करके सभी बिंदुवार प्रत्येक शक्ति को हम स्पष्ट करेंगे, अच्छे ढंग से समझेंगे। देखिए, आप किसी भी प्रकार से कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए, क्योंकि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग और टॉपिक के अकॉर्डिंग निरंतर वीडियो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपने एक भी वीडियो मिस किया तो फिर वापस आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए प्रतिदिन जो भी वीडियो अपने अपलोड होते हैं उनको तुरंत देखा करें, ताकि आपको जो भी टॉपिक का हम डिस्कशन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। और हमारे राजनीति विज्ञान का जो भी विषय है, सिलेबस है, बहुत ही अच्छे ढंग से है, आपको आसानी से समझ में आराम से आ जाएगा। तो देखिए, आज हम शुरुआत करेंगे हमारे राज्यपाल की शक्ति, जिसमें महत्वपूर्ण पहली शक्ति का अध्ययन करने जा रहे हैं, वो है कार्यपालिका शक्ति। इसे कार्यपालिका शक्ति भी कह सकते हैं तथा इसे कार्यकारी शक्ति भी कह सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, आप सभी को पता है, क्योंकि हम पिछले काफ़ी दिनों से हमारी राज्य व्यवस्था के संबंध में पढ़ रहे हैं, निरंतर पढ़ रहे हैं। हमने हमारी संघ सरकार के बारे में अध्ययन किया, हमारी संसद, क्योंकि हमारे केंद्र और राज्य दोनों ही स्तर पर हमने संसदात्मक शासन व्यवस्था को स्वीकार किया है। और संसदात्मक शासन व्यवस्था में हम देखा कि नाममात्र और वास्तविक दो प्रकार की, एक प्रकार की कार्य शक्तियाँ होती है। नाममात्र केंद्र की बात करें, संघ सरकार की बात करें, तो हमारी संसद के जो तीन महत्वपूर्ण जो हिस्से हैं, आप देखेंगे इन तीनों से मिलकर ही संसद बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तो हमारी संसद होगी पूर्ण। और जो भूमिका हमारी राष्ट्रपति की है, उसी प्रकार से केंद्र मतलब राज्य हैं, राज्यों में जो भूमिका मतलब राज्यपाल है, तो समझ सकते हैं कि केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर एक प्रकार का शासन व्यवस्था का स्वरूप अपनाया गया है। संसदात्मक पार्लियामेंट्री सिस्टम का पूरा मॉडल केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर लागू किया गया है। जो भूमिका केंद्र में राष्ट्रपति की है, वो इसी प्रकार से राज्यपाल की भूमिका राज्य में है। ठीक, तो आपको समझना है कि राज्य के स्तर पर राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्यप्राय वही हैं जो केंद्र के स्तर पर किसकी होती हैं, राष्ट्रपति की है। पर दोनों में अंतर ये है कि राष्ट्रपति के पास कुछ सैन्य शक्ति होती है, कुछ आपात संबंधी शक्तियाँ होती हैं, कुछ राजनयिक डिप्लोमेटिक शक्तियाँ होती हैं, वो राज्यपाल के पास नहीं है। इसलिए आपको स्पष्ट तौर से मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ कि सेना से संबंधित, आपात से जुड़े उपबंध और कुछ राजनयिक, राजनीतिक नहीं बोल रहा हूँ, राजनयिक अर्थात कुछ डिप्लोमेटिक पावर्स, ये ऐसे शक्तियाँ हैं जो हमारे राज्यों में राज्यपाल के पास नहीं है। इनके अलावा लगभग हमारी पूरी प्रशासनिक विधि जो है, शक्तियाँ करीब करीब उनसे मिलती जुलती हैं, उसकी बेहद नज़दीक है राष्ट्रपति के। इसलिए अगर आपने राष्ट्रपति अच्छे ढंग से समझा है, तो राज्यपाल की शक्तियाँ आपको चुटकी में सब कुछ याद आ जाएगी, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, किसी प्रकार को आपको ज़्यादा गहराई में ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, तुरंत आप अच्छे ढंग से समझ सकेंगे। इसलिए आपको राष्ट्रपति की जो हमने शक्तियों के बारे में जिस टॉपिक का हमने अध्ययन किया था, अच्छे ढंग से समझ में आ चुका है, तो राज्यपाल की शक्तियों में आपको एक मिनट की देर नहीं लगेगी, तुरंत आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखो अब कुछ शक्तियाँ राज्य, मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति के पास सेना, आपात और राजनीतिक शक्तियाँ हैं जो राज्यपाल के पास नहीं है। इसका कारण यह है कि राष्ट्रपति को संविधान ने कुछ कार्य सौंपे, मतलब हमारे संविधान ने केंद्र को कुछ ऐसे कार्य सौंपे हैं वो राज्य को नहीं है, और केंद्र में जो सौंपे हैं वो राष्ट्रपति के पास है। इसलिए हम सब, हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है वो संविधान के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो संविधान ने राष्ट्रपति को कुछ विशेष शक्ति दी है, जिनका मैंने अभी स्पष्ट किया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमारे
राज्य में राज्यपाल की क्या क्या शक्तियाँ हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्यपालिका शक्तियाँ, एग्जीक्यूटिव पावर्स। देखो एग्जीक्यूटिव पावर्स में हम सबसे पहले देखते हैं कि राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। जिस प्रकार से मैं आपको उन्हें एक बार कंपेयर करके बता रहा हूँ, मैं आपको हर टॉपिक में, क्योंकि ये इस प्रकार का हमने राष्ट्रपति के समय में पढ़ा था, अगर आपको पता होता तो हम जब राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ पढ़ रहे थे और उसमें राष्ट्रपति के कार्यपालिका की शक्तियाँ पढ़ रहे थे तो उसमें भी इसी प्रकार के यही शब्द आए थे, यही लाइन आई थी। बस आपको क्या करना है कि जब केंद्र की बात होती है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का उल्लेख आता है, ठीक है, और जब बात राज्य की करते हैं तो राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री के नामों का उल्लेख होता है। तो आप समझिए कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार के सब कुछ काम, सभी काम राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं, उसी प्रकार राज्य में भी जो भी कार्यपालिका से जुड़े हुए जो भी काम होंगे, विधायी से शक्तियों से संबंध में जो भी अपन काम समझते हैं, सब कुछ किसके नाम से किए जाते हैं, राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। देखो कोई भी नियुक्ति संबंध में हो, जो भी कार्य हैं, सब कुछ राष्ट्रपति के, माफ कीजिए, संविधान मतलब राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कार्यपालिका की शक्ति है ये राज्यपाल में ही निहित है। केंद्र का जब अध्ययन करते हैं तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। उसी प्रकार राज्यों की जो कार्यपालिका की शक्ति है वो किसमें निहित है? राज्यपाल में। अब आपने देखा ना जिस प्रकार से केंद्र में आपने 53 पढ़ा था, आर्टिकल 53 के राष्ट्रपति में निहित होता है, और फिर ये शक्तियाँ या तो स्वयं में अपने अधीनस्थों के द्वारा संपादित करता है, तो उसी प्रकार का यहाँ पर भी सेम टू सेम उल्लेख है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित हैं, जिन्हें या तो वह स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा संपादित करता है। बात समझ में आ गई आपको? स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा संपादित करता है। अब संपादित करते समय मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की जो भी सलाह है, सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति मतलब राज्यपाल काम करेगा। कहने के तात्पर्य हूबहू बस नामों का फेर है। नाम क्या है वहां पर? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति है। यहां पर आपको समझना है राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, बस। क्योंकि जब मॉडल सेम है तो व्यवस्था भी सेम होगी, इसलिए आपको बिना किसी प्रकार के कन्फ्यूजन की समझ, ये सभी जो उपबंध है, प्रावधान है, ये सब समझते जाइए, ठीक है। तो क्या हमने यहाँ पर क्या बताया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, उसके नाम से ही सब कुछ कार्य होते हैं, और जिन्हें वे स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा संपादित करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं कि वो राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। पहला कार्य यह है राज्यपाल का कि नियुक्ति करता है। जैसे ही चुनाव हुए, चुनाव होते ही देखेगा कि किस दल को विधानसभा में बहुमत मिला है, और जिस दल को बहुमत मिला है उस दल के नेता को मुख्यमंत्री के लिए बोला देंगे, अर्थात उनको पता लगेगा हाँ बहुमत प्राप्त, इस दल को बहुमत प्राप्त मिला है विधानसभा में, तो किसी प्रकार से उनको ज़्यादा इधर उधर नहीं तो मिली जुली सरकारें होती है तो उसमें दिक्कत आती है कि किसको मुख्यमंत्री नियुक्त करें। तो जो बहुमत वाले जो दल होते हैं उसमें इस प्रकार की कोई समस्या आती नहीं है, तो वो क्या करेंगे, मुख्यमंत्री को नियुक्त करेंगे तथा उसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। अब मुख्यमंत्री को तो नियुक्त करेंगे राज्यपाल, लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करनी है तो राज्यपाल क्या करेंगे, मुख्यमंत्री से परामर्श करेंगे कि मुख्यमंत्री महोदय बताइए किन किन को मंत्री बनाना है। मुख्यमंत्री जो भी लिस्ट देंगे उस लिस्ट के अनुसार सबको मुख्यमंत्री मतलब मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। बात समझ में आ गई, स्पष्ट हो गया। तथा जितने भी सभी मंत्री हैं वो सब उसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। प्रसाद पर्यंत, बात समझ में आ गई आपको? मैंने आपको राष्ट्रपति के समय में भी बताया था कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मंत्री पद पर बने रहेंगे, तो यहाँ पर भी सेम टू सेम वही बात दोहराती है कि राज्य में भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, ठीक है। प्रसाद पर्यंत का तात्पर्य मैंने आपको पिछली कक्षाओं में स्पष्ट कर दिया कि हमारे राज्य में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का जो अपना विश्वास, उसी का ही वही प्रसाद पर्यंत कहलाता है राज्यपाल का, ठीक है। एक ये है। दूसरा, हमारे राज्यपाल को
एक महत्वपूर्ण शक्ति यह भी मिली हुई है संविधान से, वो ये है कि भारत के ऐसे चार राज्य, जैसे उनमें हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। आप देखेंगे ये चारों राज्य एक दूसरे के पड़ोसी हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे भारत में सबसे ज़्यादा आदिवासी जनजाति ट्राइबल सोसाइटी खूब निवास करती है। ठीक है, इसलिए संवैधानिक रूप से ये दायित्व दिया हुआ है कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के राज्यपाल को अपना विशेष दायित्व है कि वे अपने राज्य में जनजातियों के कल्याण हेतु एक मंत्री की नियुक्ति करेंगे जो जनजातियों के कल्याण के साथ साथ अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों के कल्याण या किसी अन्य कार्य को संभाल सकेगा। बात स्पष्ट हुई कि इन चार राज्यों के राज्यपाल का अपना विशेष दायित्व है कि जब भी अपने मंत्रिपरिषद का जब विस्तार हुआ है तब एक ऐसे मंत्री की नियुक्ति करेंगे जो इन सभी जनजातियों के कल्याण के संबंध में काम देखेंगे। बात समझ में आ गई, ये इनको एक विशेष शक्ति प्रदान की गई है। इन चार राज्य कौन कौन से, कभी प्रश्न पूछा जाए तो आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश और उड़ीसा है। इन चारों राज्यों में भारत की सबसे अधिकतम संख्या में ये जो अनुसूचित जनजातियाँ ट्राइबल समुदाय वहाँ पर निवास करते हैं, ये शक्ति है इनसे जुड़ी हुई। अगला आप देखेंगे कि जो राज्य के राज्यपाल हैं, अब नियुक्ति मैंने आपको बता दिया हमारे केंद्र की कार्यपालिका के संबंध में, ये तो और राज्य की ये तो हो ही गया, लेकिन इसके अलावा राज्यपाल क्या क्या करते हैं। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। अब महाधिवक्ता क्या होते हैं, देखो मैं आपको पुनः एक बार केंद्र की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ। आप देखेंगे कि केंद्र सरकार के जो भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मामले होते हैं, या केंद्र सरकार का अपना पक्ष रखना है या केंद्र सरकार के मामलों की पैरवी करनी है, तो वो कौन होता है, वो संवैधानिक पद होता है, उसका नाम होता है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वो ही भारत सरकार के मामलों की पैरवी करते हैं और पक्ष रखते हैं। तो सोचो आप, राज्य सरकार को इसकी आवश्यकता नहीं क्या, राज्य सरकार के लिए ये नहीं होते क्या। राज्य सरकार के अपने होते हैं, वो संवैधानिक तौर पे मतलब राज्यपाल है, वो उनको नियुक्त करते हैं और वो होते हैं महाधिवक्ता। महाधिवक्ता इंग्लिश में कहेंगे एडवोकेट जनरल। जिस प्रकार से केंद्र में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है भारत का महान्यायवादी, उसी प्रकार राज्यों में कौन होता है, महाधिवक्ता, इंग्लिश में कहेंगे एडवोकेट जनरल। तो एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आप देखेंगे राज्य लोक सेवा आयोग है, इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, माफ कीजिए, इसके अध्यक्ष और इसके सदस्य, उपाध्यक्ष का इसमें उल्लेख नहीं है, अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे वित्त आयोग है, या फिर CAG की रिपोर्ट से संबंध में है, जो भी है ये भी इससे संबंधित नियुक्ति मतलब नियुक्ति के संबंध में जो भी काम है वो कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे, तथा उनके वेतन निर्धारित कौन करेंगे, यही करेंगे। ठीक है, पर ध्यान रखना महाधिवक्ता भी राज्य के मतलब राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करता है। कहने के तात्पर्य कि जिस किसी को भी महाधिवक्ता बनाया है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद ही धारण करेगा। ठीक है, अगला क्या है कार्यकारी शक्तियों में देखते हैं कि वे मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासन और या किसी प्रस्तावित विधान के संबंध में जानकारी मांग सकता है। कहने का तात्पर्य उसको किसी प्रकार से विधानसभा के संबंध में कोई भी न्यायिक है, कोई भी मतलब विधायी तौर पे विधेयक के संबंध में या और भी कोई भी प्रशासनिक जानकारी उसको प्राप्त करनी है तो वो मुख्यमंत्री से प्राप्त कर सकते हैं। तथा अगर किसी विषय पर संबंधित मंत्री ने कोई निर्णय ले लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने उस पर अभी तक विचार नहीं किया है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से अपेक्षा कर सकता है कि वह उस विषय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत करें। कहने का तात्पर्य अगर कोई ऐसा विषय है जिस पर प्रभारी मंत्री ने विचार कर लिया है लेकिन अभी तक मंत्रिपरिषद ने उस पर कोई किसी प्रकार का निर्णय नहीं किया है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को स्पष्ट कहते हैं कि आप इस उस विषय के संबंध में मंत्रिपरिषद के समक्ष उस विचार को रखिए और फिर उस पर अपना निर्णय तय करके बताइए। तो ये तो है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ। अब अगली है जो शक्ति है वो है विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्ति क्या है उसके संबंध में हम समझते हैं। तो देखिए एक बात आपको स्पष्ट बता दूँ कि हमारे भारत में
जिस प्रकार से केंद्र में संघ सरकार में हमारी संसद की दो सदन है, एक लोकसभा है दूसरा राज्यसभा है, तो उसी प्रकार से हमारे जो राज्य हैं, जो हमारे केंद्र के घटक इकाई प्रांत जो राज्य सरकारें हैं, भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनीय है, अर्थात वहाँ अब यहाँ पर क्या कहेंगे, विधानमंडल कहेंगे कि राज्य का विधानमंडल। तो भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहाँ का विधानमंडल दो सदनीय है या द्विसदनीय है। अब वो कौन कौन से हैं, जैसे अब देखिए उत्तर प्रदेश है, बिहार है, अब मतलब मध्य प्रदेश है, सॉरी माफ कीजिएगा अपना महाराष्ट्र, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है, कर्नाटक है, ये राज्य क्या है, द्विसदनीय है। अब वहाँ पर जो विधानमंडल है उसके दो सदन हैं, एक कहलाता है विधान परिषद, दूसरा कहलाता है विधानसभा। जिस प्रकार से अपन कहते हैं एक राज्यसभा और लोकसभा, उसी प्रकार से राज्य में दो सदन होते हैं, जिन राज्यों में दो सदन हैं तो उनके नाम क्या है, विधान परिषद और विधानसभा। लेकिन प्राय कई राज्यों के तर्क ये है कि विधान परिषद एक प्रकार का वित्तीय भार है, इसका होना न होना किसी प्रकार से कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो भारत के इन छः सात राज्यों को छोड़कर शेष सभी राज्यों के पास एक ही सदनीय है या एक सदनीय है, अर्थात विधानसभा ही है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर रहा हूँ कि जहाँ पर या जिन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, तो राज्यपाल क्या करेंगे कि जो वहाँ का जो बड़ा सदन है, उच्च सदन कहलाता है राज्यों का, वो विधान परिषद है। तो विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या है उसके 1/6 सदस्य, कुल सदस्य संख्या के कितने, 1/6 सदस्यों को वो क्या करेंगे, मनोनीत करेंगे। कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, उसी प्रकार से राज्यपाल हैं वो राज्य मतलब जो विधान परिषद है, विधान परिषद की कुल संख्या के 1/6 भाग के सदस्यों को वो क्या करेंगे, मनोनीत करेंगे। अब ये मनोनीत किन क्षेत्रों से करेंगे, तो उनमें है साहित्य है, विज्ञान है, कला है, सहकारी आंदोलन है और समाज सेवा है। इन क्षेत्रों में महारत हासिल हो या उनको व्यवहारिक अनुभव हो, तो इस क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों को हमारे विधान परिषद में मनोनीत किया जा सकता है। बात स्पष्ट हुई, क्या करेंगे, उनको मनोनीत करेंगे, कहाँ पर, विधान परिषद में। कुल सदस्य संख्या कितने, 1/6 सदस्य, ये स्पष्ट हुआ। अब देखो राज्यपाल की शक्ति है, अब देखो हमारे राजस्थान की बात करें, राजस्थान एक सदनीय है, केवल विधानसभा ही है, ठीक है, इस प्रकार से। तो जहाँ पर द्विसदनीय है तो ये इस प्रकार का होगा कि विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करेंगे। ये हो गया पहला विधेयक कार्य। दूसरा देखेंगे कि यदि राज्यपाल को प्रतीत होता है कि उस राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधि तो आवश्यक है किंतु पर्याप्त है नहीं, तो वे एक ऐसे सदस्य को भी विधानसभा में मनोनीत कर सकते हैं। अब जैसे हमारे लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का जो राष्ट्रपति का शक्ति है, उसी प्रकार से राज्यों का जो विधानसभा है, विधानसभा में अगर राज्यपाल को लगे या उनको आभास हो या प्रतीत हो कि एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व हमारी विधानसभा में नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं, वो किसी एक सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। ये प्राय राज्य विधानसभा में होता है, ठीक है, ये 2 कार्य हो गए। अगला तीसरा कार्य है कि आपको पता होगा कि हमारे राज्य विधानमंडल के सदन का अधिवेशन आहूत करना है, सत्र बुलाना है, ये सत्र अवसान करना है, सत्र को समाप्त करना है, ये शक्ति किसके पास है, राज्यपाल के पास है। ध्यान रखना, अच्छे ढंग से समझ लो कि राज्य विधानसभा का सत्र बुलाना है, सेशन बुलाना है, तो ये शक्ति केवल राज्यपाल के पास है। और अब आपको पता ही होगा अपने राजस्थान में जिस प्रकार से राज्य सरकार में अस्थिरता बनी हुई है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वाद के बाद हमारी राज्य सरकार, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद ने अपना प्रस्ताव पारित करके राज्यपाल को भेजा है कि तुरंत प्रभाव से आप विधानसभा का सत्र बुलाइए। विधानसभा का सत्र बुलाकर एक कल्याणकारी योजना को पारित करके अपना बहुमत स्पष्ट करना चाहती है अपनी सरकार बचाने के लिए, क्योंकि इस राजनीतिक अस्थिरता को समाप्त करना चाहते हैं।
तो सोचिए आप कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के मध्य इस शत्रु को बुलाने के संबंध में एक पूरी ताकत लगी हुई है। तो आप देखिए, तो आपको मेरे हिसाब से हम भारतीय राजव्यवस्था पढ़ रहे हैं और आज जब राज्यपाल की शक्तियाँ पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप टीवी में, अखबार में, पत्र पत्रिकाओं में सब कुछ राजस्थान का घटनाक्रम देख ही रहे हैं, तो आपको इससे भी और अच्छे ढंग से समझने का मौका मिलेगा। आपको ये अच्छे ढंग से हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि संसद का, सॉरी, विधानसभा का जो सत्र बुलाना है, विधानसभा का सत्र बुलाने का अधिकार किसके पास है? मुख्यमंत्री जी तो प्रस्ताव कर सकते हैं, लेकिन परमिशन, अनुमति कौन देगा? राज्यपाल देगा। तो आपको ये शक्ति हमेशा के लिए याद हो जानी चाहिए कि राज्य के विधानमंडल का जो अधिवेशन बुलाया जाता है उसको आहूत करना, उसका सत्रावसान करना, ये राज्यपाल की शक्ति है, ठीक है। तथा विधानसभा का विघटन करना है या विधानसभा को भंग करना है, ये शक्ति भी किसके पास है? राज्यपाल के पास है, ठीक है। अगला का महत्वपूर्ण कार्य है कि जब भी विधानसभा के आम चुनाव होते हैं और आम चुनाव के बाद में जो है विधानसभा का प्रथम सत्र शुरू होता है, एक तो प्रथम सत्र और दूसरा प्रत्येक वर्ष का प्रथम सत्र, क्योंकि एक वर्ष में तीन सत्र होते हैं जिनको प्राय बजट सेशन, मानसून कालीन और शीतकालीन, ये तीन प्रकार के सत्र होते हैं, ठीक है। तो ये जो भी प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ का पहला सत्र और विधानसभा चुनाव के बाद में गठित पहली विधानसभा के पहले सत्र में, ये सभी इन सत्रों को कौन संबोधित करेंगे, कौन अभिभाषण देंगे? राज्यपाल देंगे। ये आपको अच्छे ढंग से समझ लेना चाहिए, ठीक है। तो राज्यपाल विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद होने वाले प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रथम वर्ष के प्रत्येक प्रथम वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा के समक्ष अपना अभिभाषण प्रदान करते हैं, ठीक है। दूसरा, इसके अलावा और क्या कार्य है हमारे विधायी शक्तियों में राज्यपाल के? कि राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में लंबित किसी विधेयक के संबंध में या किसी अन्य विषय के संबंध में विधानमंडल के सदन या सदनों को संदेश भेज सकते हैं। यानी किसी प्रकार के कोई भी लॉन्ग टाइम से कोई विधेयक पड़ा है उसके संबंध में, या फिर उस विधेयक के संबंध में किसी प्रकार की कोई भी जानकारी है, संचार है, संदेश है, वो भी संसदन को भेज सकते हैं। फिर इसके अलावा यदि विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों के पद खाली हैं, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद खाली हैं, तो राज्यपाल विधानसभा के किसी सदस्य को उस पद के कर्तव्य पालन हेतु नियुक्त कर सकते हैं। ये पूरा एक सिस्टम बना होता है कि अगर किसी दिन सत्र, मतलब हमारी विधानसभा का सेशन चल रहा है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों के पद खाली हैं उस दिन, तो क्या फिर उस दिन वो कार्रवाई नहीं होगी? बाकायदा कार्रवाई होगी, क्योंकि अपनी सीनियरिटी के हिसाब से एक पैनल बनाया जाता है और उसमें सबसे वरिष्ठतम लोगों के नाम अंकित होते हैं। अगर ये अनुपस्थित हो तो ये बैठ सकते हैं, ये भी अनुपस्थित हो तो ये, इस प्रकार से लगभग 10 नामों के एक पैनल बना होता है। तो ये भी शक्ति किसके पास है? हमारे राज्यपाल के पास है। अगला है कि यदि ये प्रश्न उठता है कि राज्य के विधानमंडल का कोई सदस्य अपनी अयोग्यता या डिस्क्वालिफिकेशन से ग्रस्त हो गया है, हुआ है या नहीं हुआ है, तो निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार राज्यपाल इस संबंध में ये निश्चय करता है कि उसका जो निश्चय है वो अंतिम होता है। ध्यान ये देना है कि ये जो अपना निर्णय करता है वो निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार ही करना होता है। कहने का तात्पर्य कि हमारे जो राज्य के जो विधानमंडल है उसका कुछ सदस्य अयोग्य हो गया है, तो अयोग्य हुआ किस प्रकार से, क्या है, इसमें वो राज्यपाल और निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार जो भी निर्णय करते हैं वो अंतिम होता है, ये चीज़ें। लास्ट, उनका विधायी शक्तियों के संबंध में कार्य है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक अधिनियम तभी बनता है जब राज्यपाल उस पर अनुमति देते हैं। देखिए, हमारे राज्यों के, मतलब हमारी जो विधानसभा है वो किसी भी बिल को पारित करके राज्यपाल के पास भेजती है। जब तक राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होते हैं तब तक वो बिल कानून का रूप धारण नहीं करता है, वो विधेयक विधि का रूप धारण नहीं करती है। इसलिए विधेयक कानून तभी बन सकता है जब राज्यपाल उस पर अपने हस्ताक्षर करते हैं। तो ये थे हमारे राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। आज की कक्षा में हमने राज्यपाल के कार्यपालिका शक्तियाँ और विधायी शक्तियाँ दोनों के बारे में अध्ययन किया।